मैं टीचर नहीं हूँ, मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ तुम्हें? जो कुछ पढ़ के आप यहाँ तक पहुँचे, मैं भी वही पढ़ रही हूँ, प्री मेडिकल। कॉलेज जाती हो ना रोजाना? तो वहीं पढ़ो। सब लड़कियों ने मेरा बॉयकॉट कर रखा है, कोई भी मेरे साथ बैठ के पढ़ना ही नहीं चाहती। 2 दिन बाद मेरा टेस्ट है और मेरी कोई तैयारी नहीं है। कॉलेज की लड़कियों ने बॉयकॉट क्यों कर रखा है? बहुत लंबी कहानी है, फिर किसी दिन सुनाऊंगी, अभी मेरे पास बहुत कम वक्त है। बताएं, मदद करेंगे आप मेरी? ले आऊं किताबें? देखो, मुझे मेडिकल किए काफ़ी साल हो गए हैं, मुझे कुछ याद नहीं है मैंने FSC में क्या पढ़ा था। ये किताबें खोलेंगे तो सब याद आ जाएगा, मुश्किल नहीं है, और आप जैसे लायक आदमी के लिए तो सब कुछ आसान है। मैंने आपके लिए सीढ़ी बनाई थी, अब आप मेरी सीढ़ी बने। ले आऊं किताबें? अच्छा, आ जाना सुबह डिस्पेंसरी। कल सुबह भी आ जाऊंगी, उसकी फिक्र ना करें। आप अभी का बताएं, मेरे पास सिर्फ 1.5 घंटा है। 10 बजे के बाद मेरे भाइयों ने ना 5 किलो का ताला लगा देना दरवाजे पर। चाचा जरा जल्दी ऊपर आओ, तुम्हारी मदद की जरूरत है। डॉक्टर साहब शायद मुझसे डर गए हैं, इसीलिए मेरी मदद से इनकारी है। तुम इन्हें मेरे किरदार की गारंटी दो, इन्हें बताओ कि मैं ठीक बंदी हूँ, खा नहीं जाऊंगी इन्हें। क्या ऑल फॉल भके जा रही है मीनू, कोई बेहयाई होगा जो तेरे किरदार पे उंगली उठाएगा? बस इसी बात पर तुमने अपनी बेटी का सर बुलंद कर दिया चाचा। तो बात कुछ यूं है कि परसों मेरा टेस्ट है और मेरा पूरा मुस्तकबिल दांव पर लगा हुआ है, और ये मुझे पढ़ाने के बजाय बहाने बना रहे हैं ताकि मैं यहाँ से मायूस होकर चली जाऊँ। इन्हें बताओ चाचा कि मीनू मायूस होने वालों में से नहीं है, आखिरी सांस तक मुकाबला करने की ताकत है मुझमें, झपटने पलटने और फिर पलट कर झपटने पर यकीन रखती हूँ। आप मुझे इकबाल के शाहीन का जनाना वर्जन भी कह सकते हैं। अब बताएं क्या कहते हैं? नहीं, कहना तो कुछ नहीं है, बस एक बात पूछनी है। कि तुम हमेशा इतना बोलती हो या आज कुछ मसाला तेज हुआ तुम्हारा? आज कुछ ज्यादा ही बोल गई, दरअसल टेस्ट की टेंशन में दिमाग चलने के बजाय जबान चलना शुरू हो गई है। अब बताएं, ले आऊं किताबें? एक शर्त पर। हुक्म करें। पहले तुम ये बताओ कि ये कॉलेज की लड़कियों ने तुम्हारा बॉयकॉट क्यों किया? अल्लाह, अभी तक वहीं फंसे हुए। चाचा तुम इन्हें मेरी रिश्ते वाली कहानी सुनाओ, मैं 5 मिनट में किताबें लेकर आई। क्या हुआ मीनू, इतने फुर्तियाँ क्यों दिखा रही है? सब खैर तो है? सब खैर है, घर से किताबें लेने के लिए जा रही हूँ, डॉक्टर साहब ने पढ़ाना है। पढ़ाना? हाँ, मेरी तो मान ही नहीं रहे थे, चाचा ने गारंटी ली सब जाके माने फौरन। मैं किताबें लेके आई। ये तेरी गारंटियाँ खतरे की घंटियाँ ना बन जाए रशीद अहमद।